हे गाइस, गुड मॉर्निंग। नया दिन, ऋषिकेश से अपन अब निकलेंगे केदारनाथ धाम के लिए यहाँ पे। सो अपनी सारी तैयारी तो हो चुकी है, लेट्स सी। सो मैं अभी आपको अपना स्टे दिखाता हूँ जहाँ हम लोग रुके थे। लिफ्ट फ्री हॉस्टल है ये, बहुत ही शानदार हॉस्टल, बहुत ही प्यारी व्यवस्था है यहाँ की, सब कुछ बहुत ही अच्छा, ठीक है। और ये मेन एरिया जो है ऋषिकेश का, लक्ष्मण झूला, तपोवन, वहाँ पे है। यू कैन सी द हॉस्टल, लिफ्ट फ्री हॉस्टल तपोवन। वो वाला जो हॉस्टल है वो भी लिफ्ट फ्री का ही है, पर वो 2.0 है। सो दिस हैज पार्किंग एंड एवरीथिंग, लाइक रूम्स भी बहुत अच्छे। डॉम्स, 8 डॉम्स वाले में हम लोग रुके हुए थे क्योंकि हम लोग 8 लोगों का पूरा ग्रुप आया था। ये रिसेप्शन, ये अपना रिसेप्शन है। रिसेप्शन में अपने को भाई लोग मिलेंगे, भाई लोग का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लिफ्ट फ्री हॉस्टल। भैया कार्ड दिखाना अपना और किस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट। सो दिस इज लिफ्ट फ्री हॉस्टल कार्ड, लक्ष्मण झूला, अपोजिट टू आनंद धाम। एंड इनकी वेबसाइट भी है, वेबसाइट का नाम भैया लिफ्ट फ्री हॉस्टल्स डॉट कॉम। सो चेक दैट आउट इफ यू वॉन्ट टू कम ऋषिकेश। आई रिकमेंड दिस प्लेस एक्चुअली। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। संजीत भाई, हाय, हाउ आर यू? सो ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये है प्यारा सा हॉस्टल एकदम। यहाँ ये ग्रेफिटीज़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं यार, कैसे बोलूँ, आई कांट डिस्क्राइब इट। चलिए फिर, ये अपन का कैफ़े है, सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, शो यू अराउंड। सो विल फाइंड द नाइट स्टेज, कैरोकी की नाइट्स होती हैं यहाँ पे, मस्त एकदम अपन इन्जॉय कर सकते हैं। फुल्ली इक्विप्ड विद एसी, ग्राफिटीज, द सिटिंग प्लेस, दिस इज अ वर्क प्लेस एक्चुअली। इफ यू वॉन्ट टू डू वोकेशन देन आप यहाँ पे आओ। पूरे ये लगे हुए हैं, इनमें चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं अपन के पास। ये हमारे भैया जिन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, वॉशरूम वगैरह सब कुछ है, काउंटर, दिस इज़ अ क्लीनेस्ट किचन। यू हैव बहुत सारे गेम्स भी अपने पास, बुक्स हैं, गेम्स है, सब कुछ है। देन दिस इज़ अ एग्जिट एक्चुअली फॉर कैफे। फिर ये अपना पूरा हॉस्टल है। देन अपन के पास छत है, टेरेस, वहाँ पे अपन का टीटी वगैरह सारा कुछ है। देन हम लोग का जो रूम था वो सेकेंड फ्लोर पे था, 203 एक्चुअली। सो दैट्स अ 8 डॉर्म बेड। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा रूम था, क्लीन, ठीक है। और सफाई डेली होती है यहाँ पे, वॉशरूम बहुत अच्छे हैं, यू कैन यूज़ कॉमन वॉशरूम ऑल्सो, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप, यू लव इट एक्चुअली। तो इफ यू आर कमिंग, और आई टेल यू वन थिंग, सबसे प्यारी बात क्या है इस चीज़ की ना, सिर्फ 300 रुपीज़ पर डे और 400 रुपीज़ पर डे अकॉर्डिंग टू दिम, राइट। और फूड भी इतना नॉमिनल है ना, और बहुत ही अच्छा है, मतलब एन्जॉयड अलॉट यार, काफ़ी अच्छा है। बाकी मेरी बीस्ट इनका जज, 2 गाड़ियों से हम लोग आए थे यहाँ पे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हे गाइस, वेलकम बैक ऑन द रोड टू केदारनाथ धाम। ये हमारे सारे पंटर लोग, नम्रता, रोशनी एंड संजीत, अब अपन निकल रहे हैं केदारनाथ धाम के लिए। तो आप अब थोड़ा सा व्यूज़ एंजॉय करिए, सम टाइम लैप्सेस, सम ब्यूटीफुल व्यूज एंड सम पापड़ी को शॉट्स। अच्छा ठीक है, ठीक है, बोलो अम्बे मात की जय। On the way,
केदारनाथ धाम। अब अपन थोड़ा सा स्टॉप लिए, एक बहुत प्यारा सा व्यू है यहाँ पे, तो एक छोटा सा स्टॉप लिए हुए हैं यहाँ पे। सब एकदम बिल्कुल दोनों कार अपने रुके हैं। हे गाइस, रौनित खतरों के खिलाड़ी, दिस इज द व्यू गाइस। प्रिटी 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 व्यू, काफी देवप्रयाग अब हम लोग पहुंच चुके हैं। देवप्रयाग में ही पुलिस चेक पोस्ट है, ये अंशुल रानी है हमारी। देवप्रयाग में हमारा चेक पोस्ट है, यहाँ पे हम लोग को एंट्री करने के लिए बुलाया गया है। बोला है कि एंट्री करवा दो गाड़ी की, मेरी भी गाड़ी की एंट्री करवा देना, मैं दो मिनट दूर दिखा के आता हूँ। सो दिस इज द मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ देवप्रयाग यू ऑल वर वेटिंग फॉर। अलकनंदा एंड मंदाकिनी मिलके यहाँ पे बनती हैं गंगा मैया। गंगा मैया का फॉर्मेशन यहाँ से होता है, देवप्रयाग से। अब अपन देवप्रयाग में पहुँच चुके हैं, देवप्रयाग का व्यू एंजॉय करिए जब तक मैं गाड़ी बढ़ाता हूँ देवप्रयाग व्यू पॉइंट की तरफ। अभी अपन यहाँ से चेक पोस्ट से निकले हैं, चेक पोस्ट में रजिस्ट्रेशन करा के अब निकल रहे हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ देवप्रयाग की एक छोटी सी जर्नी। यो, देवप्रयाग व्यू पॉइंट पहुंच चुके हैं हम लोग। केदारनाथ धाम के लिए अब निकलेंगे यहाँ से। रास्ते पे ही पड़ता है केदारनाथ, अगर आप ऋषिकेश से डायरेक्ट आ रहे हैं इधर तो आपको रास्ते में ही पड़ेगा। धूप बहुत तेज है यार, इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। आप व्यू एंजॉय करिए, बहुत प्यारा व्यू है। मैं मतलब कैमरा अपनी तरफ पलटाना चाह रहा हूँ बट पलटा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा व्यू ना, आई डोंट वांट टू मिस दिस। एक्चुअली आप लोगों को मिस नहीं कराना चाहता हूँ। गंगा नदी, गंगा मैया हमारी। श्री कोटा के आगे, श्रीनगर के आगे निकल आए हैं। पहाड़ देखिए, व्यूज देखिए, कितने शानदार हैं यहाँ पे। इट्स लाइक मतलब बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग है ये। और रोड्स अमेजिंग वर्क बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। मतलब अभी तक हमने ऋषिकेश से यहाँ तक कितने किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, 80-90 किलोमीटर। रोड्स आर लाइक अमेजिंग, चुमा चुम रोड है एकदम बिल्कुल। A few moments later. दिस इज़ न्यू रुद्रप्रयाग बाईपास जिस पर भी हम लोग हैं। जो रुद्रप्रयाग के लिए इधर अपन देखेंगे तो ये रुद्रप्रयाग है, ऊपर पूरा सिटी है, उसके अंदर से भी आप जा सकते हैं बट उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड दिस बाईपास। बहुत ही प्यारा बाईपास है, डबल लेन बाईपास है। आप आराम से अपनी ड्राइव इन्जॉय कर सकते हैं केदारनाथ धाम के लिए। ये आपको सिटी के ट्रैफिक से बचाएगा। बस ये करना है आपको कि जब रुद्रप्रयाग का जब साइन बोर्ड आएगा तो उससे जस्ट आप नीचे हो जाइएगा। वो व्यू मैं कैप्चर नहीं कर पाया अभी, बट आई विल कैप्चर इट फॉर यू। कैसा लगा मेरा मजाक?
यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो गुप्त काशी जो है वो 46 ही बचा है बस। सो बहुत पास में है यहाँ से, तो 50 किलोमीटर बचा हुआ है। ऐसी पूरी चढ़ाई रहेगी पहाड़ की। क्लिप्स आप एंजॉय करिए। आई विल पुट ऑन सम क्लिप्स। बाय बाय। एक छोटा सा टी स्टॉप लिया हुआ है अभी। टी स्टॉप के साथ यहाँ पे अपन ने अब गंगा नदी में जाने की के लिए भी स्टॉप लिया हुआ है। जूता गीला हो जाएगा भाई। देखो अपन जाएंगे तो है ही, भले अपन को जॉर्डन्स को उतारना पड़े। अरे शिट, यहाँ पे खड़े हो कैसे मत उतारना, गीला भी हो जाएगा। ठीक है, तो जूते आ गए हाथ में। अब हमारे पैर हो जाएंगे थोड़े से ऊपर, पैंट जो है अपन घुस जाएंगे घचाक से पानी में, क्योंकि क्या है ना, पानी ज़रूरी है कि नहीं। चलो कहाँ चले। निर्वाणा। ओह माय गॉड, वाओ, दीवाना भैया, क्या पानी है यार। वाह यार गाइस, मजा आ गया कसम। छोटी कहाँ पे ब्रिज बनी हुई है, छोटी सी ब्रिज क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए हैं दूसरे साइड। दूसरे साइड बह रही हैं, कौन सी रिवर है ये, गंगोत्री है ना, आई थिंक सो, गंगोत्री, गंगा मैया, हमारी गंगा मैया यहां से बह रही है। ठीक है, सो आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को अभी तक, मुझे नहीं पता कैसा लग रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि अच्छा लगे। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। अरे कहना क्या चाहते हो, अपन पानी में जा रहे हैं। बाप रे गाइस, गाइस फ्लो देखना चाहोगे आप लोग, लुक एट द फ्लो। क्यों हिला डाला ना, लो पकड़ो पकड़ो ऊपर वाला पूरा। बहुत ठंडा पानी हो रहा है ना, पहाड़ में से गिर रहे हैं आप लोगों ने वो केले के वो लगा दी। ये गाड़ी रोकने की जगह है यार भैया। जल्दी वहां से हटो। केदारनाथ धाम का हेलीकॉप्टर जाता हुआ यहाँ पे, इफ यू कैन सी
ये जो हेलीकॉप्टर जा रहा है, ये छोटू सा, ये जा रहा है गुप्त काशी, ठीक है। ये जा रहा है गुप्त काशी की ओर, ठीक है। गुप्त काशी में एक चौथा जो हेलीपैड है अपना वो है। यहाँ से केदारनाथ धाम है 50 किलोमीटर, ठीक है। 50 किलोमीटर धाम, 50 किलोमीटर यहाँ से केदारनाथ धाम अपन पहुँच रहे हैं। अभी मैगी का ब्रेक है, एक मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे, फिर निकलते हैं ऑन रूट। गाड़ियाँ ये खड़ी हैं हमारी, व्यू देखिए। केदारनाथ धाम से 17 किलोमीटर नीचे अभी पहुंच चुके हैं। हमारा स्टे है, ये हमारा ये कैंप साइट है हमारी। नीचे आप वो देख रहे हैं दैट प्लेस, वो पार्किंग है। जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा, वो पार्किंग है हमारी। तो वो है अपना सोनप्रयाग। नीचे सोनप्रयाग से हम लोग 3-3.5 किलोमीटर ऊपर आए हुए हैं। देन ऊपर आके हम लोग यहाँ पे अपनी सामान वामान रख रहे हैं। गाड़ी ये पार्क हो गई है अपनी, एक ये गाड़ी ऐसे पार्क है, एक ये गाड़ी ऐसे पार्क है। ये व्यू है अभी फिलहाल, शाम के 6:30 बज रहे हैं, सूरज ढलने वाला है। ये रोड जो जा रही है, आपको लाइट्स दिख रही होंगी छोटी छोटी सी, ये जा रही है गुप्त काशी की ओर। गुप्त काशी यहाँ से 5 किलोमीटर है, फिर 5 किलोमीटर बाद हम लोग का ट्रैक स्टार्ट होगा। सो आई अपडेट यू, बाय बाय। बेटा मैं तेरे व्लॉग में अगर नहीं आया ना आयुष, तो मैं कमेंट कर दूंगा नीचे। इमोशनल डैमेज कि ले चले बोलते हैं, खाने का कहीं ले चले। ये हमारे टिंगू मियां कुछ कुछ करते हैं यार, मेरा खाते हुए मत लेना बस। लाल पीला हरा नीला करते हुए अपने फोन को। A few moments later.